नमस्कार एंड वेलकम टू माई चैनल। और आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ ये मेकअप लुक, और ये बहुत ही ईजी सिंपल मेकअप है जो आप ईजिली आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है उससे कर सकते हैं। इसमें जो आईज़ है थोड़ी सी स्मोकी इफेक्ट है, विच इज़ गुड फॉर पार्टी एंड नाइट फंक्शंस के लिए भी। और ये आई मेकअप आप कोई भी ड्रेस के ऊपर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपकी जो कलरफुल, आपको अगर आपकी ड्रेस कलरफुल है तो आप कलरफुल ही आई शेडोज लगाएँ। तो आप ये जो है ये आई शेडो किसी भी ड्रेस के ऊपर कर सकते हैं। एंड इस आई शेडो का एक फ़ायदा कि आप कोई भी कलर की लिपस्टिक इससे मैच कर सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले अभी मेरा बेयर फेस है तो सबसे पहले फेस को हाइड्रेट करेंगे। फेस को हाइड्रेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फेस मॉइस्चराइज्ड हो जाता है या हाइड्रेट हो जाता है उसके बाद फिर मेकअप जो होता है अच्छे से होता है, तो एक कूल इफेक्ट मिल जाता है। तो मैंने रोज़ वाटर स्प्रे किया है, रूप मंत्रा का सैफ्रॉन रोज़ वाटर है, काफ़ी अच्छा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, इस पर वीडियो भी मैंने बनाया है। और अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर, ये इनसाइड 3-in-1 का प्राइमर है, और ये जो प्राइमर है काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी ये सभी स्किन के लिए आई थिंक सूट करेगा, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन या ऑयली, ये ऑयल फ्री है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ NYY का CC क्रीम है यहाँ पे। तो आप बेस मेकअप के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फाउंडेशन ही लगाएं, आप BB क्रीम भी लगा सकते हैं, CC क्रीम भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास फाउंडेशन है तो फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, मतलब जो चीज़ अवेलेबल है आप उसे लगा के उसे बेस मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे CC क्रीम लगा रही हूँ पूरे फेस पे। पहले मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया था ब्रश में, तो ये जो मैंने फाउंडेशन ब्रश है इस पे मैंने पहले थोड़ा सा निकाला, और फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था इसलिए मैंने हाथों से किया, वरना मैं ब्रश से ही पूरे फेस पे डार्क कर देती हूँ, पॉइंट्स बना देती हूँ, डॉट्स, और फिर उससे ब्लेंड कर देती हूँ। तो ब्रश से मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। और अब मैं अपनी आईब्रो किट ले रही हूँ, तो आईब्रो किट से आईब्रोज को शेप कर लेंगे एंड फिल कर लेंगे। नाउ मेकअप करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम प्रोफेशनली ही मेकअप करना है, आप जब धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या मेकअप आपको सूट करता है क्या नहीं करता है। बट ये वाला जो मेकअप है ये सभी स्किन टोन के लिए बेटर है, मतलब आप ये वाला जो मेकअप है ट्राई कर सकते हैं। इवन आप अगर सांवले हैं या व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन के या फिर गोरे हैं, तीनों कैसे भी आपकी स्किन टोन है, इंडियन स्किन टोन, आप किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो आईब्रोज को मैंने फिल कर लिया, मैं ये न्यूड पैलेट ले रही हूँ, और जिसमें ये मैट ब्राउन शेड है, मैट कलर है, शिमरी नहीं है, मैट ब्राउन शेड है। और एक ब्रश में उसे ले रहा है, और मैं इसको पूरे अपने क्रीज पे लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा स्लो के दिखा रही हूँ, क्योंकि जो लोग बिगिनर हैं या फिर आप पहली बार ट्राई करना चाहते हैं तो ये मेकअप आप ट्राई कर सकते हैं, और ये सिंपल इजी मेकअप है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एंड ये किसी स्किन टोन पे भी सूट करेगा, एंड बेस्ट इज़ कि ये किसी भी ड्रेस, कलर ड्रेस पे आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो ब्राउन शेड को मैंने ब्रश में लिया है और क्रीज पे, दोनों साइड क्रीज पे मैं लगा लूँगी। तो आईब्रोज की थोड़ा सा नीचे, आईब्रोज का थोड़ा सा नीचे एरिया छोड़ के बस पूरा लगा लेना है इसको, क्योंकि सबकी आईज की शेप डिफरेंट होती है तो लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे लगाना है। तो अब मैंने लिया है डार्क ब्राउनिश शेड है, ये डार्क ब्राउन थोड़ा सा शिमरी शेड है, और उसको मैं ब्रश में लेके पहले जो हमारे आईज के दोनों कॉर्नर्स हैं वहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगी, और फिर उसके बाद एक ब्रिज का बना दूंगी बीच में, तो उसको ज्वाइन कर देंगे हल्के हल्के हाथों से, इसे ब्लेंड करके एक ब्रिज जैसा क्रिएट कर देंगे। तो जिस तरह से एक ईयर हेडफोन का जो शेप होता है उस तरह से बन जाएगा, और एक ब्रिज की तरह बन जाएगा। तो इनर कॉर्नर में प्लेस करना है कलर को, थोड़ा डार्क शेड को, और आउटर कॉर्नर में, और उनको ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से मैं उस साइड भी करूँगी। तो जब हम ब्रश में प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे थोड़ा गोल गोल घुमाते घुमाते प्लेस करेंगे, तो वो साथ में ब्लेंड भी होता जाएगा एक जगह पर ही। तो हम दोनों आईज पे एक कर लेंगे एक जैसा। अब मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, और एक ये बहुत ही लाइट गोल्डन शेड है, और उस गोल्डन शेड को हम बीच में प्लेस कर देंगे।
इस जो ये आई इफेक्ट है, इसे हैलो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जो गोल्डन शेड है वो मैंने बीच में प्लेस कर दिया है। और उसको दो तीन बार हम लेके प्लेस कर देंगे कि अच्छे से पिगमेंटेशन आए। तो दोनों आंखों में मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं एक ब्लैक शेड ले रही हूँ, फ्लफी ब्रश लिया है, और बाहर के कॉर्नर में बस थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट के लिए मैं बाहर इसको प्लेस किया है और थोड़ा सा ब्लेंड करती जा रही हूँ अंदर की तरफ। तो दोनों आईज में ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम जो भी शेड आपने ऊपर यूज किए हैं आईज के, डार्क ब्राउन शेड, उसी को ही हम आईज के नीचे भी थोड़ा सा लगा लेंगे। आप दो तीन शेड मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लैट ब्रश होता है, फ्लैट स्ट्रेट ब्रश, उससे हम लगा रहे हैं। और अब मैं ले रही हूँ पर्पल का आई लाइनर और हम एक विंग लाइन क्रिएट कर लेंगे, आई लाइनर लगा लेंगे। और अब मैं ये ले रही हूँ, ये मैंने बहुत पहले लैशेस लिए थे, जब मैंने इन्हें लगाया आज पहली बार इसे ट्राई किया था, लगाया तो ओह माय गॉड, दे वर सो इतना चुभ रहे थे। एंड प्लीज़ डोंट बाय प्लास्टिक आई लैशेस, अच्छे लैशेस लिए थे, मैंने पैक नंबर 58 यूज़ किए हैं। एंड ये इतने सॉफ्ट हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लगाया है। एंड दे आर वेरी नेचुरल दिखते हैं, तो आप नॉर्मल प्लास्टिक वाले ना लें। और अब मैं लगा रही हूँ NYY का कॉम्पैक्ट, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट को डस्ट कर लेंगे अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है। और अब मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लशर एंड हाइलाइटर किट, और इसमें से मैं आज दो शेड मिक्स करके लगा रही हूँ। तो उसमें से जो ब्लश वाला है, ब्लशर को लेके और चीक्स पे हम लगा लेंगे फ्लफी ब्रश से। देखो ये दो शेड्स मैंने पिंक और ब्राउन दोनों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा टच करके और उसको चीक्स पे लगा लेंगे। और अब मैं थोड़ा सा ब्राउन वाला एक्स्ट्रा लेके और चीक बोन्स के थोड़ा सा नीचे और थोड़ा एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, जिससे कॉन्टोर इफेक्ट मिलेगा एंड ब्रॉन्जर की तरह काम करेगा। और अब मैं लास्ट में ले रही हूँ हाइलाइटर, और फैन ब्रश से हम हाइलाइटर को मैं ब्रिज ऑफ द नोज पे लगा लेंगे, देन क्यूपिड्स बो पे लगा लेंगे और चिन पे लगा लेंगे। और आईब्रोज के नीचे भी मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ, फिंगर में लेके हम थोड़ा लगा ले मैं लगा रही हूँ क्योंकि इससे पिगमेंटेशन अच्छे से आता है। और अब लगाने वाली हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक लगाने से पहले थोड़ा सा लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेंगे लिप बाम लगा के। और हमें हुडा का ये जो शेड है, ब्राउन शेड है, डार्क ब्राउन शेड है, उसको लगा रही हूँ। तो लिपस्टिक आपको भी अपने
ड्रेस के मैचिंग लगा सकते हैं और आपको जो भी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है या आपकी ज़्यादा सूट करती है आपकी स्किन टोन पे वो लगा सकते हैं। हमारा मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन और लास्ट में बस थोड़ा सा मैं लैशेस पे थोड़ा सा अपना मस्कारा लगा लूँगी नीचे और ऊपर के लैशेस में। और अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लेके और ये ऑप्शनल है आप करना है तो नहीं करना तो नहीं कर सकते हैं, मैं इन अ कॉर्नर में इसको थोड़ा सा प्लेस कर देती हूँ। और लास्ट में थोड़ा सा मैं काजल लगा ले रही हूँ सिर्फ बाहर से इन अंदर तक थोड़ा सेंटर तक। सो डू चेक आउट माई रिसेंट वीडियो जिसमें मैंने रमांग टीका को कैसे आप लॉन्ग लास्टिंग 10 टू 12 आवर्स तक वैसा का वैसा ही रख सकते हैं विदाउट आपके हेयर स्टाइल ख़राब हुए। और साथ ही में डू चेक आउट माई हेयर स्टाइल वीडियो जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल बनाए हैं विद मांग टीका। तो ये था फाइनल लुक और ये ब्राउन लिपस्टिक के साथ जो ये मेकअप है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं लिपस्टिक को चेंज कर रही हूँ और जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ ये शेड नंबर 07 है, शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक है, रीथिंग पिंक और बहुत ही पिंक वाइब्रेंट पिंक शेड है एंड काफ़ी अच्छा लगता है, बेस्ट फॉर फेस्टिवल, तो वो मैंने लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं इस मेकअप पे को भी शेड आप लगा सकते हैं रेड पिंक ब्राउन या मरून, जो भी आपको पसंद है वो शेड लगा सकते हैं एंड वो भी इस आई शेडो पे मैच करेगा। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बिंदी अपनी चेंज करने वाली हूँ और बिंदी को हटा के एक बड़ी बिंदी लगाने वाली हूँ। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक लेते केयर एवरीवन एंड बाय एंड लव यू ऑल।